An old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite to a 120 mile stretch of snow-capped Himalaya. जहाँ राइटर जा रहा था या जहाँ मैं जा रहा था वह एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था जो हिमालय की पहाड़ियों के अपोजिट था. हिमालय की वे पहाड़ियाँ जो 120 मील तक फैली हुई थी और जिस पे बर्फ जमी हुई थी उसके विपरीत दिशा में था और 6,000 फीट की ऊंचाई पर था. द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन. ट्रेन जो थी बहुत धीमी गति से चल रही थी और रास्ते के सभी स्टेशन पे रुक रही थी. एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म. प्रत्येक स्टॉप पे मैं अपने डब्बे का दरवाजा खोलता था और प्लेटफॉर्म पे चहलकदमी किया करता था. The platform were packed with people. प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था और ये लोग थे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर, बेगर, हॉकर्स. और ये जो लोग थे उनमें सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सैनिक भी थे, व्यापारी भी थे, पंडित पुजारी भी थे और पोर्टर जिसे हम कूली कहते हैं और बेगर्स भिखारी, साथ ही साथ हॉकर्स जो घूम फिर के अपने सामान बेचते हैं उनको हम हॉकर्स कहते हैं, हॉकर्स भी थे. ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट. लगभग हर कोई नंगे पैर था और उनके जो वस्त्र थे, जो कपड़े थे वो ढीले ढाले थे और सफ़ेद रंग के थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. मैं कम से कम तीन लोगों से पूछा करता था तब जाके कहीं कोई एक व्यक्ति मिलता था जो इंग्लिश बोल और समझ पाने में समर्थ था. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड. और फिर जब ऐसा व्यक्ति मिल जाता था तो हम लोग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे, सभी महत्वपूर्ण विषयों पे बात करते थे और जो उस दिन की खबर या समाचार होती थी उस बारे में भी हम चर्चा करते थे. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation. और इस तरह से मैं देश के या राष्ट्र के नब्ज को टटोल रहा था. Checking opinion against official attitude and report. और इस प्रकार से मैं लोगों की विचारधारा या लोगों का दृष्टिकोण जानने का प्रयास कर रहा था जो सरकारी रिपोर्ट्स के विपरीत था. ऑफिशियल एटीट्यूड मतलब जो सरकारी कामकाज का तरीका था या जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके विपरीत जो विचारधारा या दृष्टिकोण थी जनता की, उसे जानने की कोशिश कर रहा था. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडिया एग्रीकल्चर एरिया. जो हमारा रास्ता था वो भारत के एक बड़े कृषि प्रधान क्षेत्र से होके गुजर रहा था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर. यह समतल था, मैदानी इलाका था जो गंगा नदी के ऊपर का था. 1,000 feet above sea level but tropical. समुद्र की सतह से 1,000 feet की ऊंचाई पर लेकिन ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं और इसका जो तापमान होता है वो थोड़ा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है. यहाँ की जलवायु को हम गर्म जलवायु मानते हैं.
और यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा की जो पानी थी, गंगा नदी में जो पानी था सिल्ट के कारण भूरे कलर का था। सोलेन विथ फ्लड वाटर, और जो सिल्ट गंगा के द्वारा लाई गई थी किनारों पर पानी में फूल गई थी। इट ओवरफ्लो इन अंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एरिया ऑफ राइस, और बाढ़ का पानी हजारों एकड़ धान का जो फसल था उसको डूबे हुए था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उत्तरी दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। और जंगलों में घासें थी जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, और साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई थी वो आदमी की ऊंचाई से या आदमी के सिर से भी कहीं ज़्यादा ऊंची थी। और ये घासें, इन घासों के बीच में पेड़ों का झुंड भी था। द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा, और यह जंगल बाघ का, हाथी का, अजगर का और कोबरा का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, हर तरफ जमीन थी जो दूर क्षितिज तक दिख रही थी, समतल जमीन थी हर तरफ जो दूर क्षितिज तक दिख रही थी। क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे आसमान और जमीन मिलते हुए प्रतीत होते हैं। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेट बनियन ट्री आर रोज आ पाकर ट्री, और इस मैदान में जगह जगह पे पवित्र बरगद के पेड़ थे और पाकड़ के वृक्षों की भी कतारें थीं जिनका सेप इल्म जैसा था, शेप्ड लाइक इल्म एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और इनका जो शेप, इनका आकार जो था, इल्म एक चिराबेल होती है जो अमेरिका वगैरह में पाई जाती है वैसा ही था, और इनके तने दोहरे थे और मोटे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म आर्द्र हवा दक्षिण पश्चिम की दिशा से बह रही थी। मंकीज सम अपने मदर विथ बेबीज क्लिंगिंग क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ। इन पेड़ों पे बंदर थे और कुछ मादा बंदर भी थीं, बल्कि माता बंदर भी थीं और उनके बच्चे भी थे जो उनके गले से चिपके हुए थे, और वे पेड़ों से नीचे की तरफ उतर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, वे पेड़ों पे लटके हुए थे और स्टेशन पर भोजन की तलाश में थे, भोजन को खोज रहे थे। द विलेजेज वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, वे गांव जहाँ से हम गुजरे वहाँ के जो मकान थे, जो घर थे, वे कीचड़ के बने हुए थे और जिसमें गाय की गोबर ही मिलाई गई थी। मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिला के मकान बनाए गए थे। देयर पिक्ड रूफ वेयर थैश्ड, उन मकानों का जो छत था वो
ढका हुआ था, छाया हुआ था। और किसी से छाया हुआ था? बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल स्ट्रेस्ड अक्रॉस द राफ्टर। बांस के खम्भों को बांध कर राफ्ट बनाया गया था। राफ्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप का होता है, जिसमें कुछ बांसों को कॉलम वाइज रखते हैं और कुछ को रो वाइज आपस में बांध देते हैं, और उसके ऊपर घास के बंडल को बिछा कर बांधा गया था। और इस पूरी पूरी वस्तु को, पूरी सामग्री को घर के छतों को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता था। दैट दे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वेयर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रेक ऑफ एलो ओवर ड्राइव वॉल्स। उन दिनों जो कद्दू की लताएं थीं वो उगी हुई थीं और उनमें फूल लगे हुए थे, फूल खिल रहे थे, और वे दीवारों पे फैली हुई थीं, और उनके जो फूल थे दीवारों को पीला रंग दे रहे थे। एट वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पे मेरा जो रूटीन था उतर के लोगों से बात करने का, वह विघ्नित हो गया, टूट गया। एज सून एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मुझे घेर लिया। दे वेर सेलिंग बास्केट, हैंड वीवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। वे सभी बच्चे टोकरियां बेच रहे थे और यह हाथ हाथ से बिनी हुई नरकुल की टोकरियां थीं, जिनके डिजाइन और पैटर्न बहुत ही साधारण थे, सामान्य थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। उन्होंने अपनी टोकरियों को ऊंचा कर रखा था, हाथों में उठाए रखा था और चिल्ला रहे थे। वे क्या चिल्ला रहे थे तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने जो विचार बनाए, जो विचार मेरे मन में आए, वो गलत भी नहीं थे। मैं ठीक से समझ पा रहा था कि वे क्या चाहते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सभी शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हुआ, तब की बात है। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस। सैकड़ों हजार लोगों ने अपने मूल स्थान को, अपने मूल आवास को छोड़ दिया। 9 million पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और इस डर से भारत आ गए, क्योंकि उस समय धार्मिक उन्माद फैला हुआ था, दंगे फसाद हो रहे थे धर्म के नाम पे, इसलिए पाकिस्तान से 90 लाख लोग हिंदुस्तान आ गए। दे वेर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। वे जब चले थे, बल्कि ये कहा जाए कि वे शुरू से ही गरीब थे। दे वेर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप। वे शुरू से ही गरीब थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के लिए, तो उनकी गरीबी और बढ़ती चली गई, वे गरीब से और गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी
was a bit of food and a few belonging. और कुल मिला के उनके पास थोड़ा बहुत भोज्य पदार्थ था जो वे साथ ढो रहे थे, और साथ ही साथ कुछ संबंधित वस्तुएं भी थीं जैसे बर्तन वगैरह. Soon they were out of food. जल्द ही वे भोजन विहीन हो गए, उनकी जो खाद्य सामग्री थी वो समाप्त हो गई. A few day after they started, they began to fall by the way side from the weakness of hunger and died where they fell. कुछ दिनों बाद उन्होंने शुरू किया चलना फिर से, और रास्ते में किनारों पे गिर पड़े. गिरने का कारण था कमजोरी, और यह कमजोरी आई थी भूख के कारण. भूख के कारण उनको इतनी कमजोरी आ गई थी कि वे रास्ते में किनारे पे गिर पड़े, और ऐसा गिरे कि फिर कभी नहीं उठे, मतलब उनका देहांत हो गया.